हाँ तो बच्चों, आपने देखा जब हम एक्स प्लस वाई करते हैं तो जेड मिलता है। ये कमाल की चीज, पर ये होता है। लगता है सबको उठाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप आ गए सिर। देखिए ये मकड़ी को, जरूर जहरीली होगी। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं हूँ ना मिस बैटल एक्स। मेरा चश्मा। तुमने मेरा चश्मा लिया है। शांत हो जाओ बेटी, तुम्हारा चश्मा मेरे पास है। ओह सिद्धी, थैंक यू। प्लीज मुझे मेरा चश्मा वापस दे दो सॉगिंगटन। मेरा पैर पड़ गया उस पर। जोर से बोलो सॉगिंगटन। मेरा पैर पड़ गया बैटी। ऐसा? मैं अभी इन्हें बनवा कर लाता हूँ। थैंक यू सिदी। वैसे तुम मेरे क्लास में क्या कहने आए थे? हाँ हाँ, मैं बच्चों को सिर्फ ये याद दिलाने आया था कि आज दोपहर को एस्टन एथलेटिक जूनियर फुटबॉल टीम का सिलेक्शन मैच है। याद है ना बच्चों? मैंने हाँ नहीं कहा है। प्लीज मिस, अगर ये मिस हो गया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अच्छा मार्गरेट, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम अपने दोस्तों के साथ स्पाइडर कैच कैच खेल रही थी। पर चुप हो जाओ, तुम सबको मैं अभी के अभी पनिशमेंट देती हूँ। कोई परवर अगर मगर नहीं। यकीन नहीं होता सिलेक्शन मिस कर रहा हूँ। मैं भी हेनरी, एक मौका था वो भी गया हाथ से। अच्छा तो अब क्या करने वाले हो तुम लोग? बक बक बंद सड़ेली, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा तुम्हें। वो तुम हो जिसके कारण हम सब के सब फंस गए हैं। सुनाई नहीं देता बक बक बंद सड़ेली। प्लीज मिस, हेनरी बात कर रहा है। थैंक यू मार्गरेट, चुगली करना बंद करोगी? वो भी तब जब तुम भी बात कर रही थी। वाह वाह मार्गरेट, आई थी बड़ी चुगली करने। चुप रहो। प्लीज मिस, राज भी बात कर रहा है। फिर से थैंक यू मार्गरेट, अब ये तुम दूसरी बार बोली हो। अब क्या करने वाली हो मार्गरेट? चुप कर सड़े हुए करेले। मुझे सिर्फ कम दिखाई दे रहा है, पर मैं सब कुछ सुन सकती हूँ एल। ऊप्स। मार्गरेट तुम तीन बार बोल चुकी हो। इतनी जल्दी भी क्या है? मार्गरेट, एल, रेल्फ और हेनरी यहीं रुको, बाकी सब जा सकते हो। तुम सब में से बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मैं। थैंक यू। तो सुनो, आज तुम सब के सब यहीं रहोगे सारा का सारा दिन। साइंस लैब जाओ अभी। अटेंशन, मिस बैटल एक्स आ गई है। थैंक यू मिस्टर सॉगिंगटन, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिस ऑडबॉर्ड ने कहा है कि आज दोपहर को एस्टन एथलेटिक जूनियर टीम फुटबॉल ट्रायल्स को मैं जज करूँगी और आप जाकर मेरा चश्मा बनवाएंगे। तो अब जाइए मिस्टर सॉगिंगटन। ओके मिस बैटल एक्स, मैं अभी आया। ये कैसे जज हो सकती है? ये तो एक लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं मार्गरेट, मैं सिर्फ थोड़ा दुखी हूँ।
दुखी तो हम भी हैं सर, हम भी तो मिस कर रहे हैं। हाँ, और हमने तो मिस बैटलैक्स का चश्मा भी नहीं तोड़ा था। ये तो तुमने सही कहा मार्गरेट, लेकिन हम करेंगे क्या? मैं बताऊंगी हम क्या करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ तो जरूर करेंगे। शुरू हो गई बकबक। तुम्हें तो पनिशमेंट मिली थी ना? अगर हमने तुमसे बात की तो हमें भी पनिशमेंट मिलेगी। चुप करो रोटलो, तुम्हें पीटर तक मेरा एक मैसेज पहुंचाना है, समझे? मैं पीटर को मैसेज नहीं दे सकता हूँ। लगाओ क्या दो झापड़, यहाँ और सुनो मेरी बात। हम तुम्हारे लिए मैसेज लाए हैं पीटर। अच्छा, क्या है बोलो। अब एंड्रू ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मुझे नहीं सुनना है। पर हमें बहुत मार पड़ेगी अगर तुमने मैसेज नहीं सुना। कौन मारेगा? हेनरी। फिर भी नहीं सुनना। पर मार्गरेट। ये हुई ना बात। बस तुम्हारा चश्मा बनवा नहीं जा रहा था बेटी। थैंक यू सो मच सॉगी। एक्सक्यूज मी। बाहर निकलो शैतानों की सेना, भाग जाओ सब। थैंक्स कद्दू। ये मैंने मार्गरेट के लिए किया। क्या भाई है? बस आपका इंतजार था मिस लवली। चलो एक लाइन बनाओ शैतानों की सेना। बस ये बताने आया था कि आपका चश्मा बस आ रहा है। आप अपने साथ नहीं ले आए? नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि वो उसे चमका रहे हैं। थैंक यू सॉगिंगटन, अब मुझे वापस अपने काम पर लग जाना चाहिए। ऑफसाइड। सॉरी बेटे। कोई बात नहीं सॉगिंगटन। ऑफसाइड। चाहे जो मतलब हो। ये 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 रोक के दिखाओ। यस, हम जीत गए। हम जीत गए। यस, तुम्हारी जेब में क्या है सॉगिंगटन? लगता है वो तुम्हारा चश्मा है बाजे। मेरा चश्मा तुम्हारी जेब में पॉलिश हो रहा है क्या सॉगिंगटन? यस, मुझसे अच्छा कौन पॉलिश करेगा? जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। क्या वो अब क्यों ना एक पार्टी हो जाए जीत की खुशी में? तुम कितने स्वीट हो सॉगिंगटन। दोस्तों, हम अपने हारने वालों से क्या कहते हैं? सब एक साथ बोलो। पापा, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ।
हाँ बोलो हेनरी। जल्दी मेरा बर्थडे आ रहा है तो क्या मुझे अपना बर्थडे प्रेजेंट अभी मिल सकता है? बकवास मत करो, तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत टाइम बाकी है। हाँ ठीक है, फिर मुझे क्रिसमस प्रेजेंट ही दे दो। वो तो और भी बात की बात है, पर मुझे अभी चाहिए। अगर तुम सच में कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अभी से पैसे बचाने चाहिए, जैसा मैंने किया था जब मुझे मेरी नंबर नॉम्स की बम्पर बुक ऑफ नंबर्स चाहिए थी। मैंने अपने सारे पैसे को मैंने तुमसे पूछा क्या कीड़े? सुनो मेरे छोटे गंदे बदबूदार कीड़े जैसे भाई, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। शाबाश बेटा हेनरी, आज तुमने बदतमीजी की हद पार करके अपने आगे के सारे बर्थडे प्रेजेंट्स भी गवा दिए। और मैं ये भी जानता हूँ कि क्रिसमस में तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा। मम्मी मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। कहो हेनरी। अब जब मेरा बर्थडे इस साल आने ही वाला है तो क्या मुझे मेरा प्रेजेंट अभी मिल सकता है? पागल मत बनो हेनरी, अभी तुम्हारे बर्थडे में कितना सारा टाइम बाकी है। ठीक है, फिर मुझे क्रिसमस का ही प्रेजेंट दे दो। उसके लिए तो और भी ज्यादा टाइम बाकी है। पर मुझे मेरा प्रेजेंट अभी चाहिए। अगर तुम्हें दिल से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पैसे बचाने होंगे, जिसे मैंने किया था जब मुझे नंबर नॉम्स के नंबर 3 और नंबर 4 चाहिए थे। बार बार वही बकवास मत करो कीड़े। नहीं नहीं, पिछली बार मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैंने वो पैसे नंबर नॉम्स के किताब के लिए बचाए थे। मैं नहीं जानना चाहता तुमने कब क्या कहा था, सड़े हुए बदबूदार कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, अब देखती हूँ कि तुम्हें अपने बर्थडे के दिन कैसा लगता है। क्या मतलब है आपका? जब तुम्हें कोई भी प्रेजेंट नहीं मिलेगा। क्या? और ये भी समझ लो कि इस साल कोई क्रिसमस प्रेजेंट भी नहीं। नहीं। पापा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या फिर से प्रेजेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? हाँ, आपको कैसे पता? बस तुक्का लग गया। आई होप तुमने पैसे बचा रखे हैं हेनरी। नहीं मैं नहीं मानता ये फालतू के पैसे बचाने वाले फंडे में, समझे कीड़े? नहीं मेरा मतलब है कि क्या तुम बाकी सबके प्रेजेंट्स खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हो? जल्दी क्रिसमस आ रहा है। क्या कह रहे हो, अभी तो सिर्फ अक्टूबर है, क्रिसमस के लिए तो पूरे 3 महीने बाकी है, और इसीलिए मुझे अपना प्रेजेंट अभी चाहिए। हेनरी तुम जानते हो तुम्हें कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट्स नहीं मिलने वाले। ये तो आपने मेरे बर्थडे पर भी कहा था, पर गिफ्ट तो आप ले आए थे। मुझे और तुम्हारी मम्मी को लगा था तुम्हें नए सॉक्स और पेंसिल की जरूरत है, और वो तो हेनरी को बड़े ही पसंद है ना? तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते गंदे बदबूदार कीड़े कहीं के? तो हेनरी तुम्हारा वो क्रिसमस प्रेजेंट? हाँ पापा, उसका क्या? तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा हेनरी। यस, सही समझा आपने, आखिर क्रिसमस आ ही गया। यस, आखिर क्रिसमस आ ही गया। वाह, क्रिसमस, साल का वो वक्त जब हमें सबके लिए अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए और गिफ्ट भी देने चाहिए। हाँ, मिठाई खाना, केक बनाना और बांटना सारे पड़ोसियों में, कुत्ते बिल्लियों में, टीचर्स अच्छे हो या फिर बुरे, और बहुत सारा मजा। बहुत हो गया तुम्हारा भाषण, थैंक यू मेरे प्यारे छोटे से भाई। मैं इस कीड़े के साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना? हाँ, क्रिसमस होता है फन टाइम, ला 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 ला। हाँ थैंक यू पीटर, कारण ये है कि भले ही मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बुरे मम्मी पापा हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक मुझे कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आए होंगे। क्या पता कब कहां से सैंटा क्लॉस आके मेरी आवाज सुन ले। अरे सैंटा तो हमेशा सबकी बात सुनते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुनते हैं हेनरी, वो हमेशा ऐसे छोटे बच्चों को ढूंढते रहते हैं जो अच्छे हैं, जो टॉफी डिजर्व करते हैं, भले ही उनके मम्मी पापा उन्हें प्रेजेंट नहीं देना चाहते क्योंकि पूरे साल भर उन बच्चों ने से बदमाशी की है। क्या बात है, ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो
अगर कोई ऐसा है जो सांता क्लॉस से एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा गिफ्ट चाहता है तो उसे जल्द से जल्द अच्छा बच्चा बन जाना चाहिए हेनरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि शायद तुम्हें भी कोई प्रेजेंट मिल जाए अगर तुम होशियारी से काम लो तो। क्या सच में? ओ हाँ, सच में। तो मुझे क्या करना चाहिए? सोचने दो। तुम 24 घंटे अपने छोटे भाई से अच्छे से बात तो कर ही सकते हो। नहीं। तो 12 घंटों के लिए कर लो। नहीं। 1 घंटा? कभी नहीं। तो फिर मामा और पापा के साथ ही कुछ देर के लिए अच्छे बच्चे बन जाओ। हाँ, ये बात शायद बन सकती है, सिर्फ एक बार के लिए। ठीक है फिर, जाओ लग जाओ काम पे। तो क्या करूँ मैं? अरे बुद्धू, मामा और पापा के लिए कुछ अच्छा काम करो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना हेलो पॉलिश करने के लिए, आज क्रिसमस ईव जो है ना। ओह हाँ, एक मिनट रुको, आज तो क्रिसमस ईव है। बिल्कुल सही कहा हेनरी। तो अब शुरू कर दो तुम्हारे मामा या पापा के लिए कुछ अच्छा करने का मिशन। ला 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 ला। फिर अब क्या किया जाए? सोचो सोचो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी या पापा खुश हो जाए। कुछ नहीं, अब भी कुछ नहीं सूझ रहा, अब भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ओ, शायद उस कीड़े से ही पूछना पड़ेगा। उप्स। सांता, आपने क्या वो सुना? अरे क्या कराटे मार रहे हो मेरे भाई? उठ जाओ मेरे प्यारे भाई। अब क्या हुआ है? मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे कोई आइडिया तो दो मम्मी या पापा को खुश करने का। उनके लिए चाय बनाओ, वो खुश हो जाएंगे। अरे पीटर, मैं चाय नहीं बना सकता। पर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे लिए चाय में 2 चम्मच दूध है। पागल मत बनो हेनरी, तुम 1 कप चाय तो बना ही सकते हो। हाँ, मैं बना सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं बना सकता। अगर मैंने नहीं बनाई तो सांता नहीं आएगा और मुझे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल हो सकता है यार। फ्रिज तक चलो, फ्रिज को खोलो, दूध बाहर निकालो। काफी आसान है। ओ फ्लफी, तुम ही हो। वाह, मेरा तो मिशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फ्लफी। मम्मी, मैंने आपके लिए चाय बनाई। इस वक्त थैंक यू हेनरी। टाइम क्या हुआ है? रात के 12 बजे हैं। जाकर सो जाओ हेनरी। ठीक है, मैं चाय यहाँ रख देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस मम्मी। हैप्पी क्रिसमस हेनरी। ओ हेनरी, देखो सांता ने आखिर तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स भेज दिए। यस। ओ, एक ही प्रेजेंट है। एक तो मिला ना। हाँ, तुम मुंह बंद रखो मेरे पकाओ कीड़े भाई। प्यारे हेनरी, हैप्पी क्रिसमस। ये तुम्हारे लिए अभी से अगले साल की क्रिसमस का प्रेजेंट। लव सांता। अगले साल का? अगले साल का प्रेजेंट? मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि तुम्हें अगला पूरा साल अच्छा बनकर रहना होगा हेनरी। ला 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 ला। ओ,
मुझे बटर कप्स बड़े ही पसंद है। देखो क्या तुम्हें भी पसंद है ये बटर कप्स मेरा मेरा? लगता है तुम्हें ये पसंद है वीरा वीरा। मुझे भी पसंद है। क्या तुम्हें भी पसंद है वीरा वीरा? बताओ बताओ। चाय तो बढ़िया है। ओह हाँ, सचमुच बहुत ही बढ़िया है। क्या कर रहे हो हेनरी? मैं तो भवरे की एक्टिंग कर रहा हूँ। उड़ जाओ फिर। मौसम सुहाना है। ओह हाँ, सचमुच बहुत ही सुहाना है। आप किसकी एक्टिंग कर रहे हो हेनरी? मधुमक्खी की? मधुमक्खी? ओ नहीं, मुझे मधुमक्खी से बहुत डर लगता है। बचाओ। ठीक है, अब बहुत हुआ बदतमीज बच्चे। मैं आप सबके लिए फ्रेशली बेक्ड कपकेक लाई हूँ। खेलना है वीरा? हाँ क्यों नहीं हेनरी। एक बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। ज्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं। क्या मैं एक ले लूं? तुम बाद में लेना हेनरी, पहले मेहमान लेंगे। इसका मतलब मैं? हेनरी। ये लीजिए फ्रेशली बेक्ड कपकेक्स, दूसरा राउंड। ये भी अच्छे दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। ओह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम्हारे बेटे को तो तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। हाँ पता है। कब सीखेगा वो तमीज और बड़ों की इज्जत करना, बोलो? जी आइडिया, मैं उसे एक दिन अपने साथ काम पर ले जाता हूँ, तब अक्ल आएगी उसे। मुझे नहीं लगता कि। ठीक है तो कल फिक्स हो गया। कल का दिन कैसा रहेगा? संडे है तो कम लोग और शांति भी होगी। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। ओह उसमें बहुत फर्क आ जाएगा, देखना तुम। कितने बजे हैं? ओह सुबह के 4 बजे हैं अभी तो। ये किसका आइडिया था? अब हेनरी को कौन जगाएगा? अब मैं जगाता हूँ। ये क्या, सुबह सुबह मेरे चप्पल में मकड़ी किसने डाल दी? दिन खराब जाने वाला है। आउच! मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉल के साथ काम करके हेनरी सुधर जाएगा। किसने इतने सुबह बेल बजाई? अच्छा हुआ तुम जाग गए हेनरी। नहीं मैं अभी भी सो रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने आया था कि दरवाजे पर कोई है। मुझे पता है पॉल है। पॉल अंकल इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्यादा सवाल मत पूछो, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। पर क्यों? क्योंकि तुम पॉल के साथ काम पर जाओगे। पर रात को इतना लेट? नहीं ये रात नहीं, सुबह के 4 बज गए हेनरी, जाओ तैयार होकर आओ। मुझे सुबह के 4 बजे तैयार होके नहीं जाना है। ठीक है जाओ पजामे में जाओ, जाओ। पर मुझे पजामे में नहीं जाना, मुझे जाना ही नहीं है। हेलो हेनरी, मुझे लगा तुम आने से डर ही गए। बाद में मिलता। नहीं हेनरी, बाद में तो मैं तुम्हें मिलूंगा। चलो हेनरी मेरी शानदार गाड़ी में। आप दूध वाले? हाँ, ऑफिशियली मैं गवर्नमेंट के ट्रेडिंग रूल नंबर 590 के हिसाब से इस एरिया का एकमात्र डेयरी प्रोडक्ट्स का सप्लायर हूँ। तो हाँ मुझे दूध वाला कह सकते हो, गर्व है मुझे दूध वाला होने पे। Cool. चलो हेनरी डिलीवरी का वक्त निकला जा रहा है।
क्या तुम्हें मैप पढ़ना आता है? बकवास मैप है, कुछ पता नहीं चलता इससे। वो कौन था? एडी एडवर्ड, वो मेरे क्लाइंट छीनने की कोशिश कर रहा है। क्या? पर ये गलत है। गलत तो है, सही में सोचो तो गलत ही है ना? नहीं पर। पर क्या हेनरी? पर आप तो बड़े हैं, आप इसका कुछ कर सकते हैं ना? ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है हेनरी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो अब हम उस इविल एडी एडवर्ड्स को छोड़ेंगे नहीं, है ना? तुम इतने भी बदतमीज नहीं हो जितना मैं सोचता था, पर सच कहूँ तो तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ हो। थैंक यू। तो अब क्या करेंगे हेनरी? हम उसे हमसे पहले पहुँचने नहीं देंगे, है ना? हाँ, कहीं नहीं। चलो फिर। चलो, कहाँ चलो? अरे डिलीवरी करने और कहाँ। ऑल राइट, लेट्स गो। ट्रिगर, जल्दी चलो। ट्रिगर कौन है? मैंने अपने मिल्क वैन का नाम ट्रिगर रखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, एक्चुअली रोजी। चलो मेरे घोड़े। ये बटन क्या करता है? ये इस गाड़ी को तेज भगाता है। तो मैं दबा दूँ? हाँ क्यों? ताकि हम और तेज जा सके। तो उससे क्या होगा हेनरी? ताकि हम इविल एडवर्ड से भी जल्दी पहुँचे। हो जाए हेनरी। ये वाला बटन दबाओ। नहीं, उसे दबाने की कोशिश भी मत करना। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। पर... पहली डिलीवरी का घर आ गया। अरे अंधे हो क्या? अरे दूध क्यों नहीं रखा वहाँ? क्योंकि हम लेट हो गए। इविल एडी एडवर्ड्स, वो हमसे पहले पहुँच गया। Well, चलो अभी हमें उससे तेज जाना ही होगा। कोई फायदा नहीं हेनरी, पिछले 8 सालों से मैं उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है, वो हमेशा मुझसे पहले ही पहुँच जाता है। पर कुछ तो होगा जो हम कर सके। आइडिया, क्या? वो आगे की तरफ जा रहा है तो हम उल्टी तरफ से शुरू करते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल बस मेरी बात सुनते जाओ। ओके हेनरी। भगाओ ट्रिगर को। भागो ट्रिगर। तो चलो शुरू करते हैं। भागो ट्रिगर। वो आगे चला गया। और तेज ट्रिगर, और तेज। आपने क्या कहा था इस बटन के बारे में? कुछ नहीं। तो मैं दबाऊं तो चलेगा क्या अंकल? ओ, फिर तुम्हारे सवाल शुरू हो गए। लो सुनो, मुझे नहीं पता वो बटन क्या करता है। शायद ये ट्रिगर को डबल तेज भगाने वाला बटन है। शायद डबल तेज भगाने वाला बटन है ये। ये डबल तेज भगाने का ही बटन है। देखो, उठ गया। हेनरी उठ गया? हेनरी उठ गया। 3 2 1
मैं देखता हूँ। नहीं, मेरी बारी है। मैं हूँ बहादुर फैंटम, इस दुनिया का सबसे बहादुर फैंटम। ओह यस, तुम दुनिया के सबसे बहादुर फैंटम हो। और मैं बहादुर फैंटम डरता नहीं हूँ किसी से भी। किसी से भी नहीं? हाँ, किसी से भी नहीं, चाहे जो मेरे सामने आ जाए। किसी से भी नहीं? किसी से भी नहीं सुंदरी। बहादुर है मेरा नाम, बहादुरी है मेरा काम। हेनरी, हेनरी, जरा कमरे की हालत तो देखो। चलो हेनरी, ये सब साफ करना है तुम्हें। अब सब ठीक है, तुम्हें वो पिक्चर देखना बंद करना होगा हेनरी। पर वो कितना कूल है, वो बहादुर है, वो एक फैंटम है, खतरनाक है। ओ हाँ, वो दुश्मनों के लिए खतरनाक है। पता है सबके साथ दुश्मन दुनिया को मिटाने के लिए अपने एक एक रोबोट्स भेजते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक ऐसा सुपर हीरो है जो आगे पीछे ऊपर नीचे आजू बाजू हर तरफ छलांग मार सकता है। क्या कहा? ऊपर नीचे आजू बाजू छलांग, देखिए। Oops. क्या बकवास है यार, पता है मम्मी ने कहा है कि मैं बहादुर फैंटम की कोई भी पिक्चर नहीं देख सकता। क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है और आगे भी होगा, और मुझे अपनी सारी पॉकेट मनी बचानी होगी, और उससे वो टूटा हुआ पॉट खरीदना होगा जो मैंने ऊपर नीचे आजू बाजू छलांग में तोड़ा था। ओ, तो तुम्हें ऊपर नीचे आजू बाजू छलांग मारनी आती थी? कूल, मैं तो आज तक नहीं कर पाया। क्या हुआ, आंखें क्यों फट गई? वो देखो, ये तो बहादुर फैंटम है। हाँ, तुम्हें पसंद है? पसंद है, बहुत पसंद है। वेरी गुड, क्योंकि ये दो दिनों के लिए तुम्हारे स्कूल आ रहा है। दो दिनों के लिए? दो दिन में ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। क्या जोक मारा, वो यहाँ अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए आ रहा है। शूटिंग मतलब वो अपने दुश्मनों को शूट करेगा? तुम कितने मजाकिया हो। फैंटम तो कुछ भी कर सकता है, अगर सच में दुश्मनों का बैंड बजाया तो। हाँ, वो कोई बैंड वाला नहीं है, शूटिंग मतलब फिल्म की शूटिंग, और फैंटम करेगा सिर्फ एक्टिंग हीरो जैसे। अब चलो, तुम्हारे क्लास का टाइम हो रहा है। हेनरी, चलो मिलते हैं। फिर कभी मत मिलना, कितना बदमाश था ये। चुप हो जाओ, मेरे पास एक फिल्म की खबर है। अरे वाह, क्या बात है। एक ऐसी फिल्म की खबर जिसकी शूटिंग होगी यहाँ दो दिनों के लिए। बहादुर फैंटम, यस, फिल्म बहादुर फैंटम की शूटिंग होगी अपने स्कूल में। ओह प्लीज मिस, क्या हमें भी कोई रोल मिलेगा? अगर मुझे बात पूरी करने दोगी तो मार्गरेट, एक बहुत ही लकी बच्चे को मौका मिलेगा फिल्म में काम करने का। ऑडिशन शुरू होंगे लंच टाइम के वक्त कैंटीन में। चुप, मैंने कहा एकदम चुप। नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, जगह देना, मैं आ रही हूँ, मैं आ गई, थैंक यू। कहाँ जा रही हो, दिखता नहीं अब मेरा नंबर है? तुम्हारा नंबर था, अब मेरा नंबर है, समझे? एक्सक्यूज मी, जगह देना। नेक्स्ट। रुको। क्यों रुको? तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ, हंसाने वाला। हंसाने वाला? और तुम हो? मैं हूँ मार्गरेट मैट्रीना मोरीना कपूर। जाओ। मैं जाऊँ? क्या हो गया? हाँ। इसे ऑडिशन कहते हैं? हाँ। कौन कहता है? वो कहते हैं। ओ,
और ये है कौन बड़ी मूछ और अजीब बालों वाला? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट फैसले लेते हैं, जैसे कि किसे फिल्म में लेना है और किसे नहीं। अच्छा, तो हम ऑडिशन देने आए बच्चों की ओर देखने के बजाय वो अपने लैपटॉप में क्यों घुसे हुए हैं? बताइए। वो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। हम बच्चों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, तुम से भी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। मैं तुमसे तुम रुक जाओ। आपका मतलब मैं? हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने तुम्हें चुन लिया है फिल्म में रोल करने के लिए। कूल। हाँ। ये सब कितना एक्साइटिंग है। मुझे बस यही रुकना है और जरा भी हिलना नहीं है। पता नहीं मेरा क्या रोल होगा। शायद मुझे छोटे फैंटम का रोल मिल जाए, या फिर मैं विलन बन जाऊँ, एक ऐसा विलन जो आज से पहले ना किसी ने कभी देखा है ना देखेगा। तुमने देखा ना, वो कितना कूल है ना यार। वो तो यही आ रही है। पक्का मुझे ये बताने की कि मेरा रोल क्या है। ओए लड़के, हाथ आगे करो, इसका ध्यान रखना। अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा तो। मैं इसलिए यहाँ हूँ उस बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्टर की टोपी का ध्यान रखने। ये बहुत इम्पोर्टेंट टोपी है। ओए, कहीं यही ना करता रह जाऊँ। पैंटन सर, आप प्लीज सेट्स पर आने का कष्ट करेंगे? पैंटन सर, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, ठीक समझे आप। वो अब तक अंदर है और हम अब तक यहाँ सड़ रहे हैं। हे फैंटम, क्या आप अब भी अंदर हैं? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम कौन हो? मैं हेनरी हूँ। क्या तुम्हें स्पाइडर्स अच्छे लगते हैं? बहुत। प्लीज मेरी हेल्प करोगे हेनरी? अच्छा हुआ जो तुम मिल गए। तुमसे मिलकर खुशी हुई हेनरी। आपसे मिलकर भी खुशी हुई फैंटम। क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? प्लीज, क्या तुम भगाओगे उस कीड़े को? स्पाइडर? हाँ। मुझे लगा था आप किसी से नहीं डरते, खासकर स्पाइडर से। तब आपने कैसे किया था जब स्पाइडर से आग मिचोली फिल्म में काम किया था, और वो भी जब आपने मटीना मैफ को एक बड़े से स्पाइडर से बचाकर उसका बैंग बजाया था? नकली, सब नकली थे। नकली? क्या मतलब है नकली थे? वो असली नहीं थे, कंप्यूटर से जोड़े थे। हेनरी। आ जाओ प्यारे दोस्त। गया, अब ठीक है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ हीरो? ठीक है, वैसे एक चीज है जो आप कर सकते हैं मेरे लिए। कुछ भी हेनरी। आगे तो और भी मजा है। मम्मी, आपसे मिलने को ही आया है। ओह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? बहादुर फैंटम आपकी सेवा में। और ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच। चाय नाश्ता करने अंदर आइए ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे बहादुर फैंटम देखने से कोई नहीं रोक सकता। यस।
भी, कितना अच्छा सरप्राइज है। ओह, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो हर महीने डोनेशन देते ही रहते हैं। ओह हाँ हाँ, याद दिलाने के लिए थैंक्स। हाँ वावी, हमारे खेलने के लिए और खिलौने। आप लोग अंदर क्यों नहीं आते, चाय पीकर जाइए। नहीं थैंक यू, आगे बहुत घरों में जाना है, डब्बा वहीं पर रख दो ड्राइवर। मैंने कहा वहीं पर रख दो, समझे तुम। जी मैडम। थैंक यू सो मच। मैंने कहा वहीं रख दो ड्राइवर। ऐसा नहीं करते हेनरी। वो ये देखो, मैं ये ले लूं मामा। जरूर ले सकते हो मेरे बच्चे। सुबह घर साफ करने के लिए जल्दी नहीं उठती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हेनरी, ये सब सामान यहाँ से हटाओ। ये देखो तो सही। हेनरी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ ठीक है, एक मिनट। मुझे हमेशा से स्कूटर चाहिए था। हेनरी, सफाई करो अभी। हाँ, नाश्ते के बाद पार्क में मिलता हूँ, ठीक है? ओ, और राज, आज उड़कर आऊंगा। बस तुम देख लेना। पकाओ स्टीव अभी भी इस खिलौने के साथ खेलता है। जी, मेरे पास स्कूटर है, ये आप थोड़े राजमा खाएंगे प्यारे बहादुर चाचा? ये सॉफ्ट टॉय किस एंगल से तुम्हें बहादुर दिखता है? पकाओ पीटर। अब बस भी करो हेनरी। बाद में मिलता हूँ कीड़े। कहाँ जा रहे हो हेनरी? मेरा नया मतलब पुराना नया स्कूटर चलाने के लिए पार्क में। ठीक है, पर कोई मस्ती मत करना वरना ये फिर से तुम्हारा पुराना वाला स्कूटर बन जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता मम्मी। बनता है हेनरी, बिल्कुल बनता है। डोंट वरी प्यारे बहादुर चाचा, मेरा पूरा खड़ूस भाई चला गया। कूल हेनरी, ये तुम्हारा नया स्कूटर है? हाँ, मेरा नया पुराना स्कूटर, मतलब वो सरू स्टीव ने दिया हुआ है। इस पर तो बहुत अच्छे लग रहे हो, चलो चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना हेनरी? हाँ, बस आदत पड़ने में टाइम लगेगा शायद। ओए, हट जा ब्रायन। थैंक्स ब्रायन। अच्छी किताब है ब्रायन। ओह हाँ, इसका नाम है शैतानी स्कूटर और पूरी कहानी एक अजीबोगरीब स्कूटर पर है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक शैतानी भूतिया स्कूटर की कहानी है ये। शैतानी स्कूटर? हाँ, इसके ओनर को इससे छुटकारा ही नहीं मिलता और पूरी जिंदगी उसे उस स्कूटर को चलाना पड़ता है। वाओ ब्रायन, ये तो काफी डरावना सा स्कूटर है। बिल्कुल सही, अब मुझे जाने दो प्लीज। हाँ, बाय ब्रायन। उन फूलों से दूर ही रहना हेनरी। कोशिश कर रहा हूँ सच में, पर ये यहाँ से हट ही नहीं रहा। हेनरी चलो, मस्ती मत करो प्लीज। मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ राइव, ये स्कूटर अपने आप ही चल रहा है। रुक गया। ओप्स। जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए हेनरी। चलो चले। रुक जाओ। ओके, कल फिर मिलेंगे मेरे दोस्त, एक और हफ्ता स्कूल का टॉर्चर। बाय। एक बार अच्छे से चला कर देखे चलो। हट जाओ। अरे नहीं, हट जाओ। तुम बहुत ही बुरे शैतान बच्चे हो। वाह हेनरी,
अंदर आ जाओ अभी के अभी। वाह रे वाह। सो जाओ हेनरी। पापा एक बात पूछूं आपसे? हाँ हेनरी, दो बातें पूछ लो। आपको लगता है कि कोई चीज शैतानी हो सकती है? किस तरह की चीज हेनरी? किसी भी तरह की भूतिया चीज, कभी ठीक नहीं चलती और हमेशा आपको मुसीबत में डाले। जो तुम्हारा मतलब कोई पेन या कोई ब्रीफ केस? शायद हाँ। मेरे पास एक पेन था, बड़ी मुसीबत में डाल दिया था उसने मुझे। उसने मेरी महंगी शर्ट खराब कर दी और मम्मी कई दिनों तक दाग नहीं निकाल पाई। पर वो शैतानी या भूतिया तो नहीं था। अच्छा, तुम्हें अपना जवाब मिल गया ना हेनरी? हाँ शायद। पापा से कभी भी कोई भी बात कर सकते हो, वो भी बिना घबराए। गुड नाइट पापा। गुड नाइट हेनरी। बच के रहना शैतानी स्कूटर से। नहीं नहीं, शैतानी स्कूटर, शैतानी स्कूटर। नहीं। ओह नो, सब सच है, ये तो सच में शैतानी स्कूटर है। चलो चलो, रास्ता साफ है हेनरी। इसे रखू कहाँ? कचरे के डिब्बे में, किसी को पता नहीं चलेगा। शैतानी स्कूटर। ओह नो। ओह बेचारा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। थैंक यू सीनियर बैटलैक्स, बाय बाय। रुको बच्चे, शायद तुम ये भूल गए, ये ले जाओ। नहीं। ब्रायन, यहाँ पर। हेनरी, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ ठीक है फिर, पर जल्दी करो प्लीज, मुझे बेल बजने से पहले ये बुक खत्म करनी है। क्यों? ताकि मैं दूसरी वाली पढ़ना शुरू करूं। कुछ भी, तू पागल है क्या? लाइब्रेरी में बातें करना मना है। अरे वो शैतानी स्कूटर है ना। शैतानी स्कूटर? हाँ मेरे पास एक है। ब्रायन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर। बस अब मैं तुम्हें ये आखिरी मौका देता हूँ ब्रायन। क्या मतलब शैतानी स्कूटर के बारे में क्या हेनरी? तुम्हारी हेल्प चाहिए थी ब्रायन। मैंने कहा। तुम्हें पक्का बताया ना कि ये काम करेगा? इसमें लिखा है उस शैतानी स्कूटर से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता है, वो स्कूटर किसी और को दे दो। हाँ पर कौन लेना चाहेगा उसे? देखो कोई आ रहा है। स्कूटर का ख्याल रखिए प्लीज। अगर कोई और तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा तो काम हो गया। थैंक यू सो मच ब्रायन। काम हो गया हेनरी। यस। मेरा नया स्कूटर हेनरी। हाँ, मुझे रास्ते में पड़ा मिला, लकी हूँ ना। हाँ पर मैं, ये कैसे चल रही है? हाँ तो चलेगा ही ना। और मैं कोई चीज चलाऊँ और वो ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो सो जाओ बच्चों। हेनरी, तुमने फिर टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया। तू चुप कर कीड़े। और तुमने उसे नीचे से भी नहीं दबाया।
पीटर, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक बद्दे बोंदू सरियल बांस मारने वाले कीड़े हो? और तुमने अच्छी तरह से अपने दांत भी ब्रश नहीं किए। हैप्पी हिप्पोस क्या कहते हैं पता है ना हेनरी? तुम उन हैप्पी हिप्पोस की बकवास अपने पास ही रखो, समझे पीटर? हैप्पी हिप्पोस कहते हैं, अगर स्ट्रॉन्गर हैप्पी दांत चाहिए तो सुन लो हमारी बात, पूरे 2 मिनट ब्रश करो, वो भी सुबह शाम और रात। क्योंकि उन बकवास हिप्पोस के ऐसे दांत नहीं होते हैं। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुमने ब्रश किया या नहीं है? नहीं मामा, इसने सिर्फ 45 सेकंड्स ब्रश किया। और हैप्पी हिप्पोस कहते हैं पूरी 2 मिनट ब्रश करो, सुबह शाम और रात। दिमाग खराब कर दिया, ये लड़का तो हैप्पी हिप्पोस के गुण ही गाता रहता है सुबह। मम्मी मेरे कॉर्नफ्लेक्स दो। तुम्हारा वाला बहुत मीठा है हेनरी, तुम ये खाओ ना, हैप्पी हिप्पोस हेल्दी बाइट्स। शाम हैप्पी हिप्पोस खा। ओप्स सॉरी हेनरी। और रात। ए हट जा, बंद कर ये घटिया प्रोग्राम। पता है हेनरी, तुम हैप्पी हिप्पोस से कुछ सीख सकते हो, जैसे कि हैप्पी रहना। हैप्पी हिप्पोस हैप्पी हमेशा। नहीं। हेनरी हेनरी, इतने बुरे मूड में सो जाना अच्छी बात नहीं। ठीक है मम्मी। हेनरी, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या? हाँ मम्मी। मामा, आप मेरा लाइट बंद कर देंगे प्लीज? आ रही हूँ पीटर। हेनरी, तुम 5 मिनट में सो जाओ। बाय मम्मी। हेनरी, उठने का टाइम हो गया। हाँ मम्मी। उठ जाओ। इतनी जल्दी उठ गया? गुड मॉर्निंग फैंग। आज नहीं नहाऊंगा, रोज की तरह स्कूल ही तो जाना है। हेनरी डायनासोर बन गया। नहीं, हेनरी डायनासोर नहीं बन सकता। हेनरी डायनासोर बन गया। सच में हेनरी, तुम्हें खाने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। बाय मामा। अरे तुम हेनरी के लिए वेट नहीं। हेनरी, तुम फिर से लेट हो जाओगे। अच्छा हुआ तुम आ गए।
तुम ठीक तो हो ना हेनरी? मामा मैं आ गया। आजा मेला प्याला लाजा। कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा मामा। मुझे आज फिर से डायरी में 3 स्टार्स मिले, टोटल मिला के 100। आ गए हेनरी, कैसा रहा तुम्हारा दिन? छी, एकदम बकवास। अब मैं जाऊं? बैटल एक्स के सवाल तो खत्म ही नहीं हो रहे थे। बोलो हेनरी बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो वरना आज तुम्हें मैं घर जाने नहीं दूंगी। सब मुझे देखकर भाग गए। मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने राल्फ से पूछा क्या वो पार्क में मेरे साथ खेलने चलेगा, तो पता है उसने क्या कहा? कि उसे घर जाकर होमवर्क करना है। कितना झूठा है ना राल्फ, और होमवर्क करेगा? हाँ, क्यों ना तुम भी राल्फ से थोड़ी सीख ले लो और जाकर अपना होमवर्क कर लो हेनरी। मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ मामा। देखा तुमने, अब ऊपर जाओ जल्दी। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, जब नीचे आओ तो चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल लेकर आना हेनरी, सुबह से तुम्हारा मूड खराब है। मेरा दिन तो बकवास रहा फैंग, तुम्हारा कैसा था? हाँ वही पुराना रूटीन टाइप ना फैंग। मम्मी कहती है नीचे आते आते चेहरे पर स्माइल लेते आना। मैं नहीं हंसता, जाओ। बचाओ बचाओ। क्या तुमने कुछ सुना? मेरी कोई मदद करो। हेनरी, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ जल्दी आओ ना। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, मेरी गिलहरी पेड़ पे चढ़ गई है, नीचे नहीं आ रही। नाम क्या है इसका? गिल्लू ही होगा और क्या। हेलो गिल्लू। डरो मत गिल्लू, नीचे आ जाओ। मेरी शरारती गिल्लू बेबी ऊपर तक चढ़ गई थी बेचारी। थैंक यू बच्चे, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। ओह गिल्लू को तुम पसंद हो? ओह मुझे भी ये पसंद है। चलो गिल्लू, घर जाने का टाइम हो गया। इस अच्छे बच्चे को भी बाय बाय बोल दो। तुम्हारी माँ ही थप्पड़ पड़ेगा, हेनरी चिल्लाती है ना? हाँ वही हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम हैप्पी हेनरी रखूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय हैप्पी हेनरी। हैप्पी हेनरी, ये अच्छा नाम है। क्या दिन था। हेनरी दरवाजा जोर से मत बंद करो। हाँ मम्मी। मामा अभी मेरा टाइम चल रहा है टीवी देखने का। पर मुझे तो हैप्पी हिप्पोस ही देखना है। हेनरी तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल कीड़े, अब रिमोट दे और चैनल मत बदलना।